नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश शर्मा, लेक्चरर केमिस्ट्री, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अलवर, TTC व LRDC की ऑनलाइन क्लासेस की श्रृंखला में आज अपन बात करेंगे तत्वों के गुणों में आवर्तिता। आवर्तिता होती क्या है कि आवर्त सारणी के दीर्घ स्वरूप में तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर उनको स्पष्ट किया था, तो एक व्यवस्थित मैनर में रखने पर कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है, उनका किस प्रकार रिपीटेशन होता है, आवर्त में किस प्रकार चेंज होती है और वर्ग में किस प्रकार चेंज होती है, तो ये चेंज होने का जो परिवर्तित होने का गुण है वो क्या कहलाता है, आवर्तिता। अब आवर्तिता में अपन कुछ स्पेसिफिक कुछ करेक्टर्स हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले अपना परमाणु त्रिज्या की बात करेंगे, फिर अपन आयनन विभव की बात करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता विद्युत ऋणता की बात करेंगे और लास्ट में अपन करेंगे धात्विक गुणों की मेटेलिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एटॉमिक त्रिज्या की। किसी परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोष तक की दूरी जहां तक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसे परमाणु त्रिज्या कहते हैं। जैसे मैं यह कहूं कि ये कोई अपना एटम है, नाभिक है, इसके बाह्यतम कोष में यानी कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाऊंगा, अगर यह लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा तो ये रेडियस यहां तक होगी और लास्ट इलेक्ट्रॉन इस सेल में होगा तो रेडियस ये होगी। यानी कि बाह्यतम कोष में उपस्थित जो दूर वाला जो इलेक्ट्रॉन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कोष में उपस्थित है, तो वो रेडियस उसकी क्या कहलाएगी, परमाणुवीय त्रिज्या। परमाणुवीय त्रिज्या ज्ञात करने के लिए अपने को अंतरनाभिक की दूरी ज्ञात करना जरूरी होता है। समनाभिक के अणुओं में दो परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधे मान को परमाणुवीय त्रिज्या कहते हैं। अब समनाभिकों में क्या होता है, क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो एटोमिक फॉर्म में कभी भी बहुत कम अवस्था में रहते हैं, वो हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं। अगर समनाभिक मॉलिक्यूलर है, सम एटोमिक मॉलिक्यूल है, तो उसमें क्या करते हैं अपन दोनों एटम्स के जो बीच की दूरी है उसका हाफ ले लेते हैं और उसको कहते हैं अपन परमाणुवीय त्रिज्या। जैसे सहसंयोजक त्रिज्या की बात करेंगे तो सहसंयोजक त्रिज्या में क्या है, एक एकल अद्रव्य सहसंयोजक बंध द्वारा बंधित समनाभिक के द्विपरमाणु अणु के दोनों नाभिकों के बीच की दूरी का आधा मान सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। जैसे अपन क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो दोनों क्लोरीन मॉलिक्यूल के बीच की दूरी होती है 198 एंगस्ट्रॉम। और अगर अपनी रेडियस की बात करेंगे तो दोनों के अलावा इंडिविजुअल एटम तो अपने पास है नहीं, तो दोनों क्या करेंगे अपन दोनों का हाफ ले लेंगे, तो जो एटॉमिक रेडियस आएगी, कोवेलेंट रेडियस आएगी, वो क्या आएगी, 0.99 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद बात करते हैं अपन आयनिक त्रिज्या की। आयनिक त्रिज्या की बात करने से पहले अपन अपने पता होना चाहिए आयन्स होते क्या। जब कोई भी उदासीन एटम इलेक्ट्रॉन लेता है या अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है तो आयनों का निर्माण करता है। आयन दो प्रकार के होते हैं, एक धनायन होता है और एक ऋणायन होता है। अगर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है तो वो धनायन का निर्माण करता है और अगर इलेक्ट्रॉन लेता है तो ऋणायन का निर्माण करता है। तो धनायन की जो त्रिज्या होगी वो धनायनिक त्रिज्या कहलाएगी और जो ऋणायन की त्रिज्या होगी वो ऋणायनिक त्रिज्या कहलाएगी। अब जो धनायन की त्रिज्या है वो तीन चीजों पर निर्भर करती है, प्रभावी नाभिक के आवेश, अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण में कमी, बाह्यतम कोष में पूर्ण रूप से समाप्त होना। यानी कि जब न्यूट्रल एटम से जब धनायन बनता है तो ये तीन चीजें चेंज होती है। सबसे पहले तो कहते हैं प्रभावी नाभिक के आवेश में वृद्धि, प्रभावी नाभिक के आवेश में वृद्धि, इलेक्ट्रॉन दे रहा तो प्रोटोन इलेक्ट्रॉन का जो रेशियो है वो चेंज होता है तो प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला आकर्षण बल प्रभावित होता है, परिवर्तित होता है। अंतरा इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण में कमी, अब अंतरा इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण में कमी कैसे होगी वो अपन एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे ये सोडियम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सोडियम का जो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s1, इसका अगर डायग्राम बनाएंगे तो पहली सेल, सेकेंड सेल और ये थर्ड सेल, इसमें दो इलेक्ट्रॉन पहली सेल में, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10 और 11वां इलेक्ट्रॉन तीसरी सेल में। जब ये Na+ में धनायन में परिवर्तित होता है तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है तो जो बाह्यतम सेल है, दो इलेक्ट्रॉन इस सेल में और 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन है अब यहाँ पे, ठीक है। तो एक तरह से तीसरी सेल जो बाहर तो जो सेल थी वो खत्म हो गई, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की तुलना में बढ़ गई, तो ये तीनों चीज चेंज होती है। प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन की तुलना में। अंतरा इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण जो ये बाह्यतम इलेक्ट्रॉन और अंदर के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो प्रतिकर्षण रिपल्सन फोर्स लग रहा था वो यहाँ पे खत्म हो गया। तीसरा, बाह्यतम कोष पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, बिल्कुल समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार मैग्नीशियम की बात करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन देता है तो उसमें पूरा एक आउटर मोस्ट सेल खत्म हो जाता है
और इसी प्रकार अपन सोडियम की एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो तीन इलेक्ट्रॉन देता है तो वो क्या होता है, तीनों में अगर डायग्राम इलेक्ट्रॉन Na प्लस Mg प्लस 2 और एल्यूमिनियम प्लस 3 इनका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो तीनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम आएगा 1s2 2s2 2p6 क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। हाँ एटॉमिक साइज इसकी जो आयनिक साइज वो डिक्रीज होती जाती है, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ेगा, प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ने से क्या होता है कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल होता है वो ज्यादा होता है तो जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पास पास में आते हैं तो एटॉमिक साइज धीरे धीरे छोटी होती जाती है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है किसी भी धनायन का आकार, इंपॉर्टेंट मैं किसी भी, मैं सोडियम और मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के धनायन की बात नहीं कर रहा, किसी भी धनायन का आकार उसके मूल परमाणु से छोटा होता है। क्यों छोटा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या की तुलना में कम होती है तो आकर्षण बल बढ़ जाता है, तो धनायन का आकार हमेशा अपने मूल परमाणु से छोटा होता है। अब जिस प्रकार अपन धनायन की त्रिज्या की बात करते हैं उसी प्रकार अपन ऋणायन की त्रिज्या की बात करेंगे। अब ऋणायन की त्रिज्या पहले ऋणायन बनता कैसे है कि अष्टक पूर्ण करने के दौरान अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो ऋणायन का निर्माण करता है, जितने इलेक्ट्रॉन लेता है उतना ही उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे अपन सिंपलेस्ट फ्लोरीन की बात करते हैं, फ्लोरीन का अष्टक पूर्ण करने के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1s2 2s2 2p5 होता है इसका, एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन भरे 1 2 और 7 इसमें होंगे 1 2 3 4 5 6 7, इसकी बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं 9, इलेक्ट्रॉन कितने 9, यहाँ पे प्रोटॉन कितने 9, इलेक्ट्रॉन कितने 10। तो प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है जब कोई भी उदासीन मॉलिक्यूल से एटम से ऋणावेश बनता है तो प्रोटॉन की संख्या उसमें इलेक्ट्रॉन की तुलना में कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला आकर्षण बल थोड़ा सा कम हो जाने की वजह से उसका आकार बड़ा हो जाता है। और इम्पोर्टेंट बात, किसी भी ऋणायन का आकार अपने मूल परमाणु से अधिक होता है। अधिक क्यों होता है क्योंकि वो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की तुलना में ज्यादा होती है तो जो दोनों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल है वो कम हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर चले जाते हैं। अब बात करते हैं अपन समी इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी की, आइसो इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी, यानी कि वे परमाणु आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है परंतु प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है, समी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाती है। समी इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ नाभिकीय आवेश बढ़ता है लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है जिससे प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला आकर्षण बल बढ़ जाता है तथा आकार में कमी आती है। सबसे पहले बात करें समी इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इलेक्ट्रॉन सब में एक जैसे होंगे। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, जैसे कार्बन -4 है, नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2, फ्लोरिन -1, नियोन, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम +2 और एल्यूमिनियम +3। परमाणु क्रमांक की बात करेंगे 6 से स्टार्ट हो रहे हैं, 13 तक जा रहे हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन में, 4 माइनस के 10, 7 इसके 3 माइनस, 3 इलेक्ट्रॉन लिए इसने 10, 8 इसके खुद के ऑक्सीजन के और 2 ले लिए 10, 9 इसके खुद के, यानी सब में 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन समान है, इसलिए इनको कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी। और प्रोटॉन की संख्या तो वही होगी जो इसका परमाणु क्रमांक है, जितना परमाणु क्रमांक है उसकी प्रोटॉन की संख्या होगी। अब यहाँ पे प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन का अनुपात निकालेंगे तो जेड अपॉन ई का अनुपात आएगा 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 1.2, 1.1, 1.2 और 1.3 होता है एल्युमिनियम +3 के लिए। अब इसमें क्या होता है कि प्रोटॉन की संख्या सब में बढ़ रही है परंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। अब देखो इसमें तो क्या होता है कि इसमें 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं तो इतना फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स इतना ज्यादा नहीं होगा, और इसमें एल्युमिनियम +3 में 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, उन्हीं 10 इलेक्ट्रॉन को एक तो 6 प्रोटॉन खींच रहे हैं और उन्हीं 10 इलेक्ट्रॉन को एक 13 प्रोटॉन अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो आकर्षण बल किसमें सबसे ज्यादा होगा, जिसका प्रभाव जेड अपॉन ई का अनुपात सबसे ज्यादा होगा। तो आकार की बात करें, अपन आकार की बात करें तो सबसे बड़ा आकार होगा क्योंकि आकर्षण बल सबसे कम होगा तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी ज्यादा होगी, तो आकार जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा आकार उतना ही बड़ा होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा आकार उतना ही छोटा होगा। अब अपन बात करते हैं परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक। परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले तीन कारक है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कोशों की संख्या और परिरक्षण प्रभाव।
सबसे पहले फैक्टर की बात करेंगे, प्रभावी नाभिक आवेश, प्रभावी नाभिक आवेश के बारे में अभी समझ ले, इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में सबसे अच्छे से पढ़ा था। प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ेगा तो नाभिक आकर्षण बढ़ेगा, नाभिक आकर्षण मतलब नाभिक व इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला आकर्षण बल बढ़ेगा, तो आकर्षण बल बढ़ेगा तो आकार उतना ही छोटा होगा, तो त्रिज्या भी उतनी छोटी होगी, तो प्रभावी नाभिक आवेश के बढ़ने से परमाणुवीय आकार छोटा होता है। सेकेंड है कोषों की संख्या, कोषों की संख्या कैसे प्रभावित करेगी, जितने ज्यादा कोष होंगे उसमें उतनी ही जो उसका जो रेडियस का फॉर्मूला होता है जो अपन ने पिछली यूनिट में डेराइव किया था आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, जितने ज्यादा एन होंगे उतनी ही उसकी रेडियस ज्यादा होगी। तीसरे शील्डिंग प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव, किसी भी परमाणु के में आंतरिक कोषों में इलेक्ट्रॉनों द्वारा डाला गया प्रतिकर्षण बल संयोजक तक कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल कम करता है, कर देता है, ये प्रभाव परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। परिरक्षण प्रभाव जितना ज्यादा होगा तो रिपल्शन उतना ही ज्यादा होगा, ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन बाह्यतम जो इलेक्ट्रॉन उतना ही दूर जाएगा, तो जितना ज्यादा परिरक्षण प्रभाव होगा परमाणु त्रिज्या उतनी ही ज्यादा होगी। अब अपन बात करते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ रेडियस, यानी कि परमाणु त्रिज्या का आवर्त। एक आवर्त में बाई से दाई जाने पर सामान्यतः परमाणु त्रिज्या घटती है और एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। अब अपन फोर्थ आवर्त की बात कर रहे हैं, फोर्थ आवर्त की बात करें तो देखो 19 से स्टार्ट हो रहा है, 19 20 21 22 आगे ये कंटिन्यू चलेगा और 36 तक जाएगा। तो फोर्थ आवर्त में सेल की कोष की संख्या तो उतनी है परंतु लगातार एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, यानी कि उसका प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, तो उसी सेल में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, सेम सेल चेंज नहीं हो रही, तो सेल चेंज नहीं होने के कारण प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता है। प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ने के कारण जनरली आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है और एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर प्रत्येक एलिमेंट पर जैसे हाइड्रोजन से लिथियम पे है, लिथियम से सोडियम पे है, सोडियम ठीक है, हाइड्रोजन से लिथियम पे है, लिथियम से सोडियम पे है, प्रत्येक एलिमेंट प्रत्येक दूसरे एलिमेंट पे जैसे ही जाएंगे तो एक कक्षा की संख्या में वृद्धि होती है। जैसे ही कक्षा की संख्या में वृद्धि है एन का मान बढ़ता है, एन का मतलब मुख्य क्वांटम संख्या बढ़ती है, मुख्य क्वांटम संख्या बढ़ती है जो रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो एन स्क्वायर होता है, या फिर अपन पूरे फॉर्मूले की बात करें तो 0.529 × (n²)/z एंगस्ट्रॉम होता है, ये पिछले चैप्टर में अपन ने डराइव किया था। तो यहां से अपन ये निकाल सकते हैं कि आर जैसे जैसे एन का मान बढ़ेगा वर्ग में प्रत्येक एलिमेंट दूसरे एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जाते हैं तो कोष की संख्या बढ़ रही है, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी। अभी एक आवर्त में बात करें तो एक आवर्त में अक्रिय गैसों या उत्तरकर्ष गैसों का आकार सबसे बड़ा होता है क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण ये बंध नहीं बना पाते। क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि इनका अष्टक पूर्ण होता है, ना तो इलेक्ट्रॉन देते हैं ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो ये केवल और केवल दुर्बल वैन डेर वाल्स बंध पाए जाते हैं, तो दुर्बल वैन डेर वाल्स त्रिज्याएं 6 से 9 त्रिज्या से अधिक होती है। थैंक्स।